गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश। मैं स्वागत करता हूं आपका ITM यूनिवर्सिटी में। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, MSc AG हॉर्टिकल्चर। कोर्स हमारा है किसका है, MSc AG हॉर्टिकल्चर, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर। कोर्स कोड हमारा है हॉट 506। सब्जेक्ट नेम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर्स। यूनिट फर्स्ट है, जैसा कि हम आपके साथ में कल्टीवेशन ऑफ रोज का आज जो हम आपके साथ थर्ड पार्ट शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हम आपके साथ में कल्टीवेशन ऑफ रोज के दो पार्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 है आज का। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश, स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे दोनों लास्ट वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे चलता हूँ। आउटलाइन, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, बीमारियां, गुलाब और उसकी से का हम किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो बीमारी हमारी कौन सा है, डाइवेक, सेकेंड है हमारी ब्लैक स्पॉट, थर्ड हमारी पाउडरी मिल्डो, फोर्थ हमारी है क्राउन गॉल एंड 5 बॉटराइटिस ब्लाइट। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट का, एफिड फर्स्ट, सेकेंड रेड स्केल, थर्ड रोच चैफर बीटल, फोर्थ हमारा वाइट ग्रब एंड 5 हमारा मैन लीवर एंड 6 बर्ड वॉर्म। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके साथ में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अप्रोच। इसके बाद हमारा है हार्वेस्टिंग एंड इल्ट, और इसके बाद हम देखेंगे रेफरेंसेस। चलते हैं कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो हमारे रोज गुलाब में लगती हैं और उनको हम किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट करेंगे। डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, सबसे पहला हमारा डायफेक्ट, डिप्लोडिया रोशर। डायफेक्ट जो है, हम सबसे पहले इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इट्स इफेक्टिव कंट्रोल द इन्फेक्टेड पोर्शन शुड बी डिहाइड्रेटेड एंड वन एंड द कट एंड शुड बी पेंटेड विथ बोरक्स मिक्सचर। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमम डोज ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाई फैसिलिटी, प्रॉपर ड्रेनेज और स्प्रे ऑफ 3 ग्राम पर लीटर ऑफ कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% का। अगर डाइवेक का अगर हमारा बीमारी अगर लगती है प्लांट पर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके जो पोर्शन है उसको काट के हमें वहाँ पे बोरॉक्स मिक्सचर का पेंट करना। तो किससे कंट्रोल करेंगे हम, फॉर इट्स इफेक्टिव कंट्रोल द इन्फेक्टेड पोर्शन शुड बी डाइसेक्ट एंड वन एंड दैट एंड द कट एंड शुड बी पेंटेड विद बोरॉक्स पेस्ट। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमम डोज ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाई फैसिलिटेटिंग प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ और स्प्रे ऑफ 3 ग्राम पर लीटर ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%। सेकेंड हमारी जो डिजीज है जिसके बाद चर्चा करने वाले हैं, वो है हमारा ब्लैक रॉट, ब्लैक स्पॉट, सॉरी ब्लैक स्पॉट, डिप्लोकार्पोन रोजेस। इसके कंट्रोल के लिए इट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड
1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर और कैप्टोन 0.2% फंजीसाइड एट फॉर नाइट इंटरवल। ब्लैक स्पॉट की अगर हम बात करें तो इसके लिए कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, कार्बाडाइजिकम का स्प्रे करते हैं 1 ग्राम पर लीटर पर लीटर ऑफ वाटर, या इसके अलावा कैप्टोन 0.2% फंजीसाइड एट फॉर नाइट इंटरवल्स। पाउडरी मिल स्प्रे कार्बाडाइजिकम 1 ग्राम पर लीटर और बेटेवल सल्फर एट 2 ग्राम पर लीटर ऑफ कंट्रोलिंग पाउडर। अगर पाउडर मिलती अगर डिजीज है तो हमें उसकी कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, स्प्रे कार्बाडाइजिकम 1 ग्राम पर लीटर ऑफ और बेटेवल सल्फर एट 2 ग्राम पर लीटर फॉर कंट्रोलिंग दी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी वो बीमारी है वो हमारी है बोटाइटिस ब्लाइट। इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, कट एंड डिस्ट्रॉय ऑल इन्फेक्टेड ब्लॉसम एज सून एज दे ड्रॉप और डाई, स्प्रे द कार्बाडाइजिकम एट द रेट 1 ग्राम और क्लोरोथेनोनिल 2 ग्राम और मैनकोजेब 2 ग्राम और एजोक्साटिबिन और 0.5 ग्राम और थायोफेनेट मेथाइल 0.5 ग्राम पर लीटर। हम इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कट एंड डस्ट्रो आल डिसइंफेक्टेड लोशन एज सून एज दे ड्रॉप और ड्राई के बाद हम क्या करेंगे, स्प्रे कार्बाडाइजिकम का करेंगे 1 ग्राम और या मैनकोजेब या हम इसमें 2 ग्राम का यूज कर सकते हैं, किसी को भी हम इनमें से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राउन गार्ड, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंजरी ऑन स्टेम्स ड्यूरिंग कल्टीवेशन, मेंटेन विगर विथ फर्टिलाइजेशन एंड वाइटरिंग, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय बैडली इन्फेक्टेड प्लांट एंड डू नॉट रिप्लांट इन दैट एरिया फॉर ए लास्ट 5 ईयर्स। तो ये हमारी है डिजीज, हम इसका किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट, जो हमारे कीट जो होते हैं गुलाब में किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं और हमें उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए। तो मेजर जो इंसेक्ट जो हैं हमारे कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एफिड की अगर हम बात करें तो एफिड काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। एफिड्स मैक्रोसिफॉर्म रोजेस कंट्रोल की अगर हम बात करें, दिस कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय स्प्रिंग 0.1% मेलाथियन और मेटासिस्टॉक्स 0.1 to 0.2% और रोगर 0.1 to 0.2%। हम इनमें से किसी का भी एफिड के कंट्रोल के लिए हम यूज कर सकते हैं। या तो हम 0.1% का मेलाथियन यूज करेंगे या फिर मेटासिस्टॉक्स 0.1 to 0.2% या फिर 0.1 to 0.2% का। रेड स्केल लिंडी गैप्सिस रोजस कंट्रोल, दीज पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग मेलाथियन, दीज पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग मेलाथियन 0.1% और पैराथियन 0.25% इन अप्रैल एंड अगेन इन अक्टूबर। रोज चेफ बीटल कंट्रोल के लिए हैंड पिक
कैटिनेट बेटल एंड डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग डे टाइम। स्प्रे क्यूनॉल फॉर्स 25 EC एट द रेट 2 ml पर लीटर। सेटअप लाइट ट्रैप टू अट्रैक्ट होलो ट्राइकिया एंड एनोमोला स्पेसी टू हैव चेक ऑन द पेस्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंसेक्ट व्हाइट ग्रफ। कंट्रोल सेटअप लाइट टू अट्रैक्ट होलो ट्राइकिया एंड एनोमोला स्पीसीज। स्प्रे फॉसालॉन 35 EC एट द रेट 2 ml पर लीटर। मिलीबग कंट्रोल मिलीबग कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रे मोनोक्रोटोफॉस 2 ml पर लीटर और मिथाइल पैराथियन 2 ml पर लीटर। तो वाइट ग्रेप के लिए हम क्या कंट्रोल करते हैं, हम सेटअप अवर लाइट और टू अट्रैक्ट हॉलो ट्रैक एंड एनोमला स्पीसीज। और स्प्रे हम करेंगे स्प्रे फर्स्ट अलॉन 35 EC एट द रेट 2 ml पर लीटर। मिलीवैक कंट्रोल मिलीवैक्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रे मोनोक्रोटोफॉस 2 ml पर लीटर और मिथाइल पैराथियन 2 ml पर लीटर। वर्डवर्म कंट्रोल वर्डवर्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रे मोनोक्रोटोफॉस 36 WS 2 ml पर लीटर एट फॉर नाइट इंटरवल ड्यूरिंग फ्लावरिंग। तो अभी हमने जाना किस प्रकार से हम कौन से इंसेक्ट के लिए हम क्या कंट्रोल करेंगे। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बोल हेड और मॉल फॉर्मेट फ्लावर। क्या होता है, दी सेंटर पीटल्स ऑफ द बर्ड रिमेन ओनली पार्ट डेवलप एंड द बर्ड अपीयर फ्लैट। दे कैन कॉमन ऑन वेरी विगरेस शूट्स पर्टिकुलरली बॉटम ब्रेक एंड इट इज पॉसिबल दैट देयर इज ए लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू डेवलप द पीटल्स। केज ऑफ फुल हीडिंग इज एट अनोन। हाउ एवर थ्रिप्स इन्फेस्टेशन विल आल्सो कॉज माल फॉर्मेड फ्लावर। आल्सो ए लो टेम्परेचर सम वेराइटीज विल फॉर्म फुल हेड। तो ये क्या होता है, बुल हेड जिसको हम कहते हैं या माल फॉर्मेड फ्लावर्स का इसमें। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें कि द सेंटर पीटल्स ऑफ द बर्ड रिमेन ओनली पार्शियली डेवलप एंड बट एवरी फ्लाइट दे आर कॉमन ऑन वेरी विगरेस शूट पार्टिकुलरली बॉटम ब्रेक्स एंड पॉसिबल दैट देयर इज ए लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू डेवलप द कॉजेज ऑफ वूल हीडिंग येट अननोन। हाउएवर थ्रिप्स इन्फेस्टेशन बे also cause malformed flowers. Also at low temperature some variety will form bollard. Next हमारा है वो हमारा blind foot। इसमें क्या होता है, normal flowering shoot on a greenhouse rose possesses fully expanded sepals, petals and reproductive parts. The normal flower shoot on greenhouse rose possesses fully
एक्सपेंडेड सेपल्स पेटल्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। द फेलवर ट्यूबुलर फ्री फ्लावर ऑफ एपिकल एंड ऑन द स्टेम इज कॉमन अक्वरेंस। द फेलवर टू डेवलप ए फ्लावर ऑन द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉमन। सच शूट्स आर टर्म्ड एज ब्लाइंड रूट। The sepal and petals are present, but the reproductive part are absent or absent. इसमें क्या होता है कि the sepals and petals are present, but the reproductive parts are absent or absent. Blind wood is generally short and thin, but it may attain considerable length and thickness when it develop at the top of the branch. Blind wood is generally short and thin, but it may attain considerable length and thickness when it develops at the top of the plant. This may be caused by low temperature. The kiske karan hota hai? This may be caused by low temperature, insufficient light, chemical reduce insect pest fungal disease and other factors. तो इसमें क्या होता है कि sepals and petals are present होते हैं, but इसमें reproductive part क्या होता है absent हो जाता है या फिर इसमें aborted हो जाता है. क्या होता है इसमें, तो देखो the normal flowering shoot on greenhouse rose possesses fully expanded sepal petal and reproductive part. The failure to develop a flower on the apical end of the stem is common occurrence. Such shoots are termed blind wood. इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड वुड कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा लिम्फ नेक्स. द एरिया ऑफ द स्टेम जस्ट बिलो द लोअर wilts and will not support the head. This may be due to insufficient water absorption, cutting off the lower 1 to 2 inches of stem and placing on the cut stem in water 37 degree centigrade will revive the flower. इसके बाद हम चलते हैं कलर फेडिंग. नेक्स्ट हमारा जो हमारा है क्या है, कलर फेडिंग. द ऑफ कलर्ड फ्लावर आर सीन टू बी प्रॉब्लम विथ सेम येलो वैरायटी. इन दीज वैरायटी द पीटल मे बी ग्रीन और ए डायरेक्टली वाइट इंस्टेड ऑफ ए क्लियर येलो. Raising the night temperature several degree with reduce the number of off-colored flowers. Occasionally, the pink or red variety develop bluish colored flowers. This is very often associated with use of organic phosphate and various other kind of insecticides. So, what is its color fading? अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पोर्शन पे जो हमारा है हार्वेस्टिंग एंड डिलीट. हार्वेस्टिंग फ्लावरिंग स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड. फर्स्ट ईयर के बाद में क्या होता है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ. इकोनॉमिक यील्ड सेकेंड टू टेंथ ईयर. अगर हम बात करें कि सेकेंड ईयर अगर हम यील्ड की बात करें तो हमें कब से प्राप्त होती है, सेकेंड ईयर टू टेन. फ्लावर आर हार्वेस्टेड व्हेन द फ्लावर बड आर हाफ ओपन स्टेज. क्या होता है इसमें, फ्लावर आर हार्वेस्टेड व्हेन द फ्लावर बड आर इन हाफ ओपन. For cut flowers,
दे आर हार्वेस्टेड ए टाइट वर्ड स्टेट विथ लॉन्ग स्टार्क। तो हमें क्या करना चाहिए, फ्लावर्स को कब हार्वेस्ट करना चाहिए, दे फ्लावर आर हार्वेस्टेड वर्ड आर हाफ ओपन स्टेज में हाफ खुला होता, और कट फ्लावर के लिए दे आर हार्वेस्टेड ए टाइट वर्ड स्टेज में हमें इसको क्या करना चाहिए, लॉन्ग स्टॉक के साथ में हार्वेस्ट करना चाहिए। यील्ड की अगर बात करें तो डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट यील्ड है, पर भी हम जनरली एक यील्ड लेके चलते हैं, वो हमारे यहाँ लूज फ्लावर, लूज फ्लावर 7.5 टन पर हेक्टेयर, कट फ्लावर्स फर्स्ट ईयर 100 to 120 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड ईयर 200 to 240 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर, थर्ड ईयर 300 to 360 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हम बात कर रहे हैं हार्वेस्टिंग की, हमें कब कटाई करनी चाहिए इसके फ्लावर की, और हमें कितनी यील्ड प्राप्त होती है। तो डिफरेंट यील्ड हमारी अलग अलग प्राप्त होती है, और हमारा जो पर्पस है हमारा कटाई का, फ्लावर को प्राप्त करना हार्वेस्टिंग। तो फ्लावरिंग स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर से ऑनवर्ड के बाद स्टार्ट हो जाती है, और इकोनॉमिक यील्ड की अगर बात करें तो हमारी सेकेंड टू टेंथ ईयर तक मिलती है, और फ्लावर आर हार्वेस्टेड व्हेन द फ्लावर वर्ड आर हाफ ओपन स्टेज में करते हैं। कब हार्वेस्ट करते हैं, जब हाफ खुल जाते हैं। और अगर हम बात करें फॉर कट फ्लावर्स, दे आर हार्वेस्टेड एट टाइट वर्ड स्टेज विथ लॉन्ग स्टॉक, यील्ड हमारी जो है वो हमारी लूज फ्लावर के लिए कितनी है, 7.5 टन पर हेक्टेयर, कट फ्लावर के लिए हमारी फर्स्ट ईयर 100 to 120 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर, एंड सेकेंड ईयर के लिए हमारी जो है कितनी प्राप्त होती है हमारी 200 to 240 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर, एंड थर्ड ईयर में हमारी 300 to 360 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर में हमें यील्ड प्राप्त होती है। ये रेफरेंस दिए हुए हैं। आज हमने आपके साथ में कल्टीवेशन ऑफ रोज का हमने थर्ड पार्ट शेयर किया, जिसमें मैंने आपको बताया मेजर इंसेक्ट कौन कौन से हैं, मेजर इंसेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट, एंड उसके बाद मेजर डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, हार्वेस्टिंग और इल्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज कल्टीवेशन ऑफ रोज का थर्ड वीडियो था, जिसमें मैंने आज क्रॉप को कंप्लीट किया, और आप प्रत्येक वीडियो को वन बाई वन पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री सीक्वेंस से देखें और समझें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।